नमस्कार। राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के मरियालो कॉम्प्लेक्स के सी ब्लॉक में बेहोशी की हालत में गया जिले की रहने वाली एक युवती के मिलने से हरकत मच गया। दरअसल मरियालो के तैनात सुगिटी महिला गार्ड के द्वारा पीड़ित घायल युवती के परिजनों और कोतवाली थाना को मिली सूचना पर गुरुवार की शाम 5 बजे गया जिले के डालमिया बाजार सामान लेने के दरमियान कुछ युवकों ने बेहोशी का स्प्रे कर पीड़ित युवती का अपहरण कर लिया। घायल युवती गया जिले के गुरु सरनम कोचिंग की शिक्षिका बताई जा रही है, जिसके शरीर पर ब्लेड कुरेद कर हाथ और पैर पर आई हेट यू लिख दिया गया। पीड़िता के परिवार का आरोप है कि कोचिंग में काम करने वाले युवक आनंद ने बीते 4 दिन पहले पीड़िता के मां के मोबाइल पर फोन कर धमकी देकर कहा था कि तुम्हारी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पीड़िता के शरीर पर जख्मों को देखकर सनकी की मानसिकता का पता चलता है। परिजनों ने आरोप लगाया कि गुरु सरनम कोचिंग में कार्यरत चपरासी आनंद यादव के खिलाफ गया के कोतवाली थाना में युवती की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करा दी थी। वहीं शुक्रवार को पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौर्य लोग में अचानक सुबह में गार्ड के द्वारा युवती की जानकारी मिलने पर हड़कंप मच गया। वहीं पीड़िता के परिवार वाले पटना के कोतवाली थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने घायल युवती का इलाज इनकम टैक्स गार्डनिया अस्पताल में कराया। फिलहाल घायल युवती का इलाज कराकर गया जिले के लिए रवाना करने की बात कही जा रही है, जहां पुलिस अब पूरे मामले पर आएंगे की कार्रवाई कर दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सकेगी। मामला ये है कि अभी थोड़ी देर पहले इनके परिजन थाना में आए और बताएं कि मेरी बच्ची के हाथ पर में कटे का निशान है और पैर पे आई हेट यू लिखा हुआ है बाएं पैर पे। तो लगा जैसे डॉक्टर साहब भी बताएं कि कुछ ब्लेड या कुछ धारदार चीज से लिखा गया है। और इन्होंने गया कोतवाली जो है वहाँ इन्होंने आवेदन दे रखा है, जो कि गुमशुदगी और एक लड़के के ऊपर आरोप है। बच्ची अभी कंप्लीट होश में नहीं थी, लेकिन डॉक्टर बताएं जब ट्रीटमेंट किए उसके बाद कुछ बोल पा रही थी, तो उसने बताया कि हमको कोई मार्केट गया था डालमिया, वहाँ से हम टोटो में बैठे हैं वहाँ तक मुझे याद है, उसके बाद मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ से मुझे यहाँ लाया गया। और यहाँ वो एक सुबह में एक महिला जो गार्ड है उसको अपना नंबर दी कि हमको बात करा दीजिए मेरे घर पे, तो बात कराई और उसके बाद आज सूचना देने के बाद हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं और उनका ट्रीटमेंट कराया गया है। उसके बाद ले जा रहे हैं लोग परिजन। ये तो चिकित्सक को भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ बोले कि कुछ धारदार चीज़ है पतली जिससे मतलब कुरेद के कटिंग के। कौन है ये महिला, कुछ बताई? ये अपना नाम बताई है, अपना पूरा पता बताई है, वैसे अच्छे से बात कर पा रही है, लेकिन उस बीच की घटना में इन्होंने कुछ विशेष नहीं बताया। जिस युवक ने इस घटना को अंजाम दिया, क्या पूर्व से परिचित था या साथी? अरे साथ में काम करता था। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, गुरुचरण कोचिंग, जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के बच्चों को एडमिशन का काम कराती है। वहाँ एक आनंद नाम का लड़का का नाम बताइए, जो ये सिकरिया मोड़ का रहने वाला आनंद यादव, सिकरिया मोड़ का रहने वाला है, वो इनको पहले भी परेशान करता था। गया सिकरिया मोड़ तो पहले भी परेशान करता था। उन्हीं के द्वारा बताया कि मैं 4 दिन पहले कोचिंग छोड़ भी चुकी हूँ, लेकिन ये शायद उसी की, तो चूँकि फ़ोन पे जो आवाज़ आ रही थी तो बता रही थी कि उसी का, वो नैन्सी मैम कहकर बोलता था, तो उसी के।